Hello guys, welcome back in Movies Mania World. Movie technical experience or interest तो एक action movie से ही शुरू होता है और अगर हम इसमें spy को भी जोड़ दें तो movie तो एक अलग ही level में चला जाता है। तो इसलिए आज हम इस video के अंदर cover करेंगे top 10 best action spy movies। अगर आप movies को सिर्फ entertainment के लिए नहीं बल्कि आप हमारी तरह experience के लिए देखता है और अगर आप किसी भी movies को miss नहीं करना चाहता है तो video पर जरूर अंत तक बने रहना। और ये movies आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा और इन movies को कहाँ देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए video को शुरू करते हैं। नंबर 10 वाली मूवी है 2018 की द स्पाई हू डम्ड मी। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है माँ और बेटी की जो अपने ही आप में एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड होता है और जी रहा है एक साधारण जिंदगी और उनकी लाइफ तब सीरियस होने लगता है जब ऑड्री को पता चलता है कि उसकी बॉयफ्रेंड एक स्पाई है तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। और ये एक अंडररेटेड मूवी है और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2017 की एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिशन। ये चाइना वाली मूवी आपकी होश उड़ा देगा। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर जो एक माफिया ड्रग्स गैंग को पकड़ने के लिए उनकी गैंग का हिस्सा हो जाता है जहां वो एक क्रिमिनल की ज़िंदगी जीने लगता है जहां एक छोटा सा गलती उसकी लाइफ का डी एंड हो सकता है। और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर 8 2014 की दिस मीन्स वॉर। तो इस मूवी में दो कबीले जिनकी कहानी दिखाया है जिसने अपनी ज़िंदगी में हर तरह की मिशन को अंजाम दी है और मूवी तब सीरियस होने लगता है जब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों सेम ही लड़की को डेट कर रहा है। और आगे जाके मूवी किस तरह की कहानी होने वाला है इसके लिए मूवी देखिए। मूवी हिंदी डब पे तो अवेलेबल नहीं है पर इंग्लिश सबटाइटल से आप कम चला सकते हैं और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 7 वाली मूवी है 2014 की द नवंबर मैन। ये मूवी एक्शन और स्पाई से भरा हुआ है। इसमें कहानी दिखाया है पीटर डेवलॉक एक CIA एजेंट होता है जहां उसकी वाइफ को उनके ही लोगों ने मार देता है जिसके बाद उसकी दुश्मनी अपने ही लोग से हो जाता है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली मूवी है 2013 की व्हाइट हाउस डाउन। तो ये मूवी स्पाई वाली तो नहीं है पर ये मूवी देशभक्ति और पॉलिटिक्स की कहानी है। जब एक जवान देश की रक्षा करने का कसम खा लेता है तो वो किस हद तक जा सकता है ये बात आप इस मूवी के अंदर देखेंगे। तो इस मूवी में कहानी दिखाया है व्हाइट हाउस में कुछ टेररिस्ट ग्रुप हमला कर देता है जो प्रेसिडेंट को मारना चाहता है जिसमें हमारे हीरो उस टेररिस्ट और प्रेसिडेंट के बीच फंस जाता है जहां उसे प्रेसिडेंट को बचाना है। और ये किस तरह होता है इसके लिए मूवी देखिए। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 वाली मूवी है 2010 की सॉर्ट। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एवेलिन सॉर्ट नाम की एक लड़की जो एक जासूस होता है जो किस तरह की जासूस है वो किसी को भी पता नहीं है क्योंकि वो खुद अपने ही लोगों का बैंड बजा देता है जिसने उससे ट्रेनिंग दी है जिसके लिए वो काम करता है वो सबका गेम बजाते जाता है। और आप इस जासूस का क्या मकसद है और ये किस तरह की जासूस है आप कहने से तो अच्छा मूवी देखो। मूवी आपको सोनी लाइफ पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 2008 की गेट स्मार्ट। मूवी के अंदर कहानी दिखाया है मैक्स नाम की एक बंदा जो स्पाई कंट्रोल एजेंसी के लिए काम करता है और वो खुद भी बाकी एजेंट की तरह मिशन पर जाना चाहता है पर उसकी काम ऑफिस के अंदर खूब तरह से होता है इसलिए उसकी बॉस उसे मिशन पर नहीं भेजा जाता। लेकिन उसके बाद उनका सामना होता है कुछ टेररिस्ट ग्रुप जो शहर को बम से उड़ा देना चाहता है। तब मैक्स एजेंट 99 का साथ मिलकर एक खतरनाक मिशन पर निकलता है और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है 2005 की मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ।
इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक कपल्स जो घर में तो एक साधारण जिंदगी जीता है, पर जब घर से निकलता है तो दोनों का एक अलग ही रूप होता है। ये मूवी तब सीरियस होने लगता है जब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों खुद ही एक जासूस है, तो दुश्मन से लड़ने की वजह वो दोनों खुद का ही दुश्मन बन जाता है। और आगे चढ़ के तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होने वाला है, और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नंबर टू वाली मूवी है 2021 की ब्लैक विडो। ब्लैक विडो हर काम को किस तरह से खूब तरह से कर लेता है, ये बात हमें इस मूवी के अंदर पता चली। ये मूवी एक्शन एडवेंचर स्पाई से भरा हुआ है, और ये मूवी सिविल वॉर की बात है जहां जनरल रॉस ब्लैक विडो को ढूंढ रहा है। नताशा रोमानोव, जिसकी जिंदगी में इतनी सब कुछ होने की बात, इस पर उनकी सामना किसी एलियन और मशीन से नहीं है, बल्कि उनकी सामना खुद अपनी ही अतीत से होता है। और आप इस मूवी को डिज्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर वन, 1997 की मैन इन ब्लैक। इस मूवी के अंदर आप देखेंगे दुनिया की सबसे सीक्रेट जासूस, जो बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं होता है, और इसे कहते हैं MIB, जो एलियंस को पकड़ते हैं। और इसमें कहानी है जे नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो पुलिस की नौकरी करते एक दिन MIB का एक खास एजेंट बन जाता है, जिसकी बात उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। और आप इस मूवी को सुनी लाइफ पर देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को यही एंड करेंगे। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई टाइम पर।